दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा भी छाया हुआ है। ठंडा मौसम और कोहरा वैसे तो कई लोगों को काफी पसंद होता है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। कोहरा हवा में मौजूद नमी और प्रदूषण से मिलकर बनता है। गर्भवती महिलाओं को अक्सर बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपके और गर्भ में पल रहे आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या ठंड में पड़ने वाले कोहरे का गर्भ में पल रहे बच्चे पर कुछ असर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लाइफ और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। देखिए, कोहरा ठंडे मौसम से संबंधित होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर ठंड से जुड़ी समस्याएं जैसे जुकाम, खांसी, गले में खराश, बुखार का कारण बन सकता है। कोहरे के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है, जिससे बचने के लिए कुछ खास एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। घर के अंदर हवा की गुणवत्ता को चेक करें। देखिए, बढ़ता कोहरा चिंता का विषय है, जो सर्दियों में आपके घर के अंदर की हवा की क्वालिटी पर असर कर सकता है। ऐसे में आप घर के अंदर इंडोर प्लांट्स या एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को कोहरे या ठंडे मौसम के कारण होने वाली किसी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए नियमित रूप से आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करते रहना चाहिए। घने कोहरे के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहरी गतिविधियों जैसे कि एक्सरसाइज, वॉक जैसी प्रैक्टिसेस नहीं करने की सलाह दी जाती है। कोहरे और सर्द मौसम से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें और ऐसे कपड़ों का चुनाव करें जो कोहरे के सीधे प्रभाव को कम कर सके। इन सभी के अलावा अगर गर्भवती महिलाएं खांसी या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण महसूस करती हैं, तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, तुरंत हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। ठंड के मौसम में हाइड्रेट रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोहरे का मौसम कभी कभी डिहाइड्रेशन का कारण भी बन सकता है, जो प्रेग्नेंट महिला और भ्रूण दोनों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को ज्यादा ठंड या कोहरे के समय घर से बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।